मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। दोस्तों, आज मैं आपके सामने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जो हमें सीख मिलती है उसे शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप भी महान व सफल बन पाएंगे। पूरा वे ध्यान से सुने। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो जाने वाले थे तो उन्होंने माँ शारदा से पूछा कि माँ, क्या मैं अब दूसरी जगह जाकर अपने देश व अपने विचारों का प्रचार कर सकता हूँ? माँ ने कहा, पहले मेरा एक काम करो, रसोई से जाकर चाकू लेकर आओ। स्वामी जी चाकू लेकर आते हैं और माँ को दे देते हैं। माँ कहती है, अब तुम तैयार हो, तुम जा सकते हो। स्वामी जी ने कहा, माँ, आपने तो मुझसे कोई सवाल पूछे बिना ही मुझे जाने की आज्ञा दे दी, आखिर क्यों? माँ ने कहा, जब तुमने चाकू लाकर दिया तभी तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई थी। तब स्वामी जी ने पूछा, वो कैसे? मैंने तो कोई परीक्षा दी ही नहीं। तो माँ ने कहा, जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तो तुमने चाकू की धार वाला हिस्सा अपनी तरफ रखा ताकि मुझे चोट ना लगे, और लकड़ी वाला हिस्सा मेरी ओर रखा। तुम्हारी जगह कोई और व्यक्ति होता तो लकड़ी वाला हिस्सा अपनी ओर रखता और धार वाला हिस्सा मेरी ओर। तुमने खुद के बारे में सोचने से पहले मेरे बारे में सोचा। दोस्तों, बहुत लोगों का एक ही सवाल होता है, जीवन में बड़ी सफलता कैसे हासिल की जाती है? बड़ी सफलता केवल उसी को मिलती है जो अपने से पहले दूसरों का सोचते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, आप दूसरों को ऐसी कौन सी चीज दे सकते हैं जिससे उनकी लाइफ में आपकी वजह से कुछ अच्छा हो, उनकी लाइफ आपकी वजह से आसान बन सके? महान सफलता उसी को मिलती है जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। याद रखें, मांगने वाले लाइन में खड़े होते हैं और बांटने वाले सबसे आगे। स्वामी जी महान इसलिए महान बने क्योंकि वे खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते थे। आप भी सोचिए, आप दुनिया को ऐसी कौन सी वैल्यू वाली सर्विस दे सकते हैं जिससे उनकी मदद हो सके? याद रखिए दोस्तों, अगर आप खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचने लग गए ना, तो आपको अमीर और सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास इतना पैसा आने लगेगा कि गिन भी नहीं पाओगे। आज दुनिया का बड़े से बड़ा सफल बिजनेस उठाकर देख लीजिए दोस्तों, उस बिजनेस के सफल होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो लोग अपने कस्टमर के बारे में पहले सोचते हैं कि हम अपने कस्टमर को सबसे अच्छी सर्विस कैसे दे सकें। भविष्य में अगर आपको करोड़पति अरबपति बनना है तो एक बात गांठ बांध लें, जो व्यक्ति खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचेगा उस व्यक्ति को पैसे वाला बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए मन में औरों के लिए अच्छा सोचते हुए सुनते हैं अच्छे 10 विचार। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती दोस्तों, एक निर्णय थोड़ा कुछ बदलता है दोस्तों, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है दोस्तों। धीरज रखने वाले आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुसीबत की नदी को सफलतापूर्वक पार कर जाते हैं, जैसे आप भी कर जाते हो। रिश्ता बनाए रखने के लिए सिर्फ दो ही तरीके हैं दोस्तों, एक कुछ बातें नजरअंदाज करके और दूसरा कुछ बातें बर्दाश्त करके। आप कल से करूंगा मैं अटके रहेंगे और कोई दूसरा आपके सपनों को अपना आज बना लेगा। इसलिए कल पे कभी न टालें, हमेशा जो सोचे आज और अभी करें। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों, कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देती है मगर घोंसले में नहीं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत होता है। जीवन का कड़वा सच, मनुष्य की चाहत है कि उड़ने को पर मिले, मनुष्य की चाहत है कि उड़ने को पर मिले, और परिंदे की चाहत है कि रहने को घर मिले। तो जैसे आपको मिला है आप उसी में खुश रहें। अमीर इतने बने कि आप कितनी भी कीमती चीज को जब चाहे तब खरीद सकें, और कीमती इतने बने कि इस दुनिया का कोई भी अमीर से अमीर इंसान आपको
खरीद ना सके। चलती रहूंगी पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगी। चलती रहूंगी सही पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगी। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगी। यही बात मैं कहना चाहूंगी कि मन में किसी को लेके लालसा ना रखें। हाँ, इच्छा जरूर रखें कि वो काम हो जाए, लेकिन लालसा नहीं। सफलता आपके पास चलकर नहीं आती दोस्तों, बल्कि आपको खुद चलकर सफलता के पास जाना पड़ता है। इसलिए खाली याद बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ सोचकर अच्छा पॉजिटिव करते रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। थैंक यू दोस्तों, ओम शांति।